नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। साल 2022 की शुरुआत हो गई है और नए साल के साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। इतना ही नहीं, पार्टियों के लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यहीं पर है, जिसके तहत कुल मिलाकर 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 7 चरणों में मतदान होगा, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से होने वाली है, जो कि 7 मार्च तक जारी रहेगी। वहीं 10 मार्च को परिणाम की घोषणा होगी। चरणवार मतदान की जानकारी देने से पहले आप ये जान लें कि इस बार उत्तर प्रदेश की धरती पर चुनावी मुद्दे हैं क्या क्या। युवा हो या महिलाएं, बुजुर्ग हो या कामगार, हर किसी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा महंगाई के सवाल पर यूपी के लोग दो धड़ों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। वहीं एक दूसरा दल ऐसा भी है जो इस बात को तो मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन दलीलें भी देते हैं कि इसमें बढ़ोतरी क्यों हुई है। अगला मुद्दा सड़कें हैं। अब आप ये सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार तो अब एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई है, ऐसे में सड़कों की समस्या कैसे हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि अभी भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर सड़कों के बीच में गड्ढे की समस्या आम बात है। अभी भी लगभग हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि कोरोना के माहौल में तो देश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि पहले के मुकाबले शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश बची हुई है। ये समस्याएं तो लगभग सभी वर्ग के लोगों की हुई। अब उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने खेमे में लाने की कवायद की जाएगी। पहले तो 3 कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा था, लेकिन सरकार के कदम पीछे खींचने के बाद उम्मीद है कि किसानों के बीच भाजपा को लेकर नरमी आ सकती है। हालांकि किसानों की चोट पर सरकार के इस पहल ने कितना मरहम लगाया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राज्य में किसानों के बीच अभी भी कई मुद्दे हैं जिसका समाधान किसान चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है आवारा पशुओं से जुड़ा, क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि आवारा पशुओं के कारण किसानों को हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरा मुद्दा है खाद की संकट। हालांकि ये परेशानी तो अभी देश के कई राज्यों में है, लेकिन भाजपा को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अगला मुद्दा है फसलों का उचित समर्थन मूल्य न मिलना। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के वोट का रास्ता खोलते हैं। हालांकि इस बार जनता का मिजाज क्या है क्या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा समेत अन्य सभी दलों ने अपनी जान फूंक दी है। वहीं बिहार की भी कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाने का फैसला लिया है। वैसे कोरोना का माहौल है, ऐसे में चुनावी रैलियां तो 15 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कैसे पार्टी अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि चुनाव तो 7 चरण में होने वाले हैं, लेकिन किस किस चरण में किन किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, छरतावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ साउथ, छपरौली, बरौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, दौलाना, हापुड़, गढ़ मुक्तेश्वर, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, देवाई, शिकारपुर, खुर्जा, खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोइल, अलीगढ़, इगलास, छातामंद, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद बा सीट शामिल है। फेज 2 के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें बेहट, नाकुर, सहारनपुर, नगर सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, मनिहरन, गंगो, नाजीबाबाद, नगीना, बरहापुर, धामपुर, नेहटौर, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, कांट, ठाकुरद्वार, मुरादाबाद रूरल, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमोली, संभल, सुवार, चमरुआ, बिलासपुर, रामपुर, मिलक, धनेरा, नौगांव सादत, अमरोहा, हसनपुर, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, शेखपुर, दातागंज, बहेरी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथारी चैनपुर, उनाला, कतरा, जलालबाद, तिहार, पोवायण, शाहजहांपुर,
ददरौल सीट शामिल है। तीसरे फेज का मतदान 20 फरवरी को होगा, जिसमें हाथरस एससी ये सीट पिछले साल काफी चर्चा में रही थी। वहीं साहाबाद, सिकंदर राव, टुंडला एससी, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, अमनपुर, पटियाली, अलीगंज, इटाह, मरहारा, जलेसर एससी, मैनपुरी, भोंगाव, किशनी एससी, करहली, कैमगंज एससी, अमृतपुर, फरुखाबाद, भोजपुर, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज एससी, जसवंतनगर, इटावा, भरथना एससी, बिधूना, दिबियापुर, औरैया एससी, रसूलाबाद एससी, अकबरपुर, रानिया, सिकंदर, भोगनीपुर, बिल्हौर एससी, बिठूर कल्याणपुर, गोविंदनगर, शीशमऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर छावनी, महाराजपुर, घाटमपुर, मधौरगढ़, कल्पी उड़ई एससी, बबीना, झांसी नगर, मोरानीपुर एससी, गरौठा, ललितपुर, मेहरोनी एससी, हमीरपुर, रथ एससी, महोबा, चरखारी सीट पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण का मतदान 23 को होगा, जिसमें पीलीभीत, बरखेड़ा, पुरनपुर सुरक्षित, बिसलपुर, पलिया, निघासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर सुरक्षित, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता सुरक्षित, मोहम्मदी, महोली, सीतापुर, हरगांव सुरक्षित, लहरपुर, बिस्मार्ट, सेता, महमूदाबाद, सिघौली सुरक्षित, मिश्रिक सुरक्षित, सवाईजपुर, शाहबाद, हिरदोई, गोपामऊ सुरक्षित, संडीला, बांगरमऊ, सफीपुर सुरक्षित, मोहन सुरक्षित, उन्नाव, भगवंत नगर, पुरवा, मलिहाबाद सुरक्षित, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिमी, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज सुरक्षित, बछरावा सुरक्षित, हरचंदपुर, रायबरेली, सरैनी, ऊंचाहार, तिंदवारी, बबेर, नरैनी सुरक्षित, बांदा, जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, आयाशाह, हुसैनगंज, खागा सीट पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण की बात करें तो इस पर 27 मार्च को वोटिंग होगी, जिसमें तिलोई, सलोन एससी, जगदीशपुर एससी, गौरीगंज, अमेठी, इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लामभुआ, कादीपुर एससी, चित्रकूट, मणिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज एससी, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, सिराथु, मंझनपुर एससी, चैल, फाफा मऊ, सौराव एससी, फूलपुर, प्रतापपुर, हांडिया, मेजा, करचना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा एससी, कोराव एससी, कुर्सी रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर एससी, दरियाबाद, रुदौली, हैदरगढ़ एससी, मिल्कीपुर एससी, बांकीपुर, अयोध्या, गोसाईगंज, बलहा, नानपारा, मटेरा, महासी, बहराइच, पयागपुर, केसरगंज, ढींगा, शास्त्री, महनौन, गोंडा, कटरा, बाजार, कर्नलगंज, तारावगंज, मनकापुर एससी, गौरी सीट शामिल है। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होने वाला है, जिसमें कटिहारी, टांडा, अलालपुर एससी, जलालपुर, अकबरपुर, तुलसीपुर, गेंदसारी, उतरौला, बलरामपुर एससी, सोहरतगढ़, कपिलवस्तु एससी, बंसी, इतवा, डोमरियागंज, हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदरी, महादेवा एससी, मेहंदा वली, खलीलाबाद, धनघाटा एससी, फरेंदा, नौतनबा, सिसवा, महाराजगंज एससी, पनियार, कैंपियारगंज, पिपराइचो, गोरखपुर अर्बन, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनबा, खजानी एससी, चौरीचौरा, बांसगांव एससी, शिल्लुपारी, खड, पड़ौना, तमकुही राजो, फलीजनगर, कुशीनगर, हटरामकोला एससी, रुद्रपुर, देवरिया, पत्थरदेव, रामपुर, कारखाना, भाट पर रानी, सलेमपुर एससी, बरहाजो, बेलथारा रोड एससी, रसरस, सिकंदरपुर, फेफना, बलियानगर, बांसडीह, बैरिया सीट पर मतदान होने वाले हैं। वहीं आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जिसके तहत अथरौलिया, गोपालपुर, सागरी, मुबारकीपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज एससी, मेहनगर एससी, मधुबनी, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना एससी, मऊ, बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, मुंगड़, बादशाहपुर, मछली शहर एससी, मरियाहू, जाफराबाद, केराकात एससी, जखानियन एससी, सैदपुर एससी, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जुमानिया, मुगलसराय, सकलदी, सैयद राजा, चकिया एससी, पिंडरा,
अजगरा, एससी शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी छावनी, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, ओराई एससी, छनबे एससी, मिर्जापुर, मझवानी, चुनारी, मरिहान, घोरावाली, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा एसटी, दुधी एसटी सीट पर वोट डाले जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का माहौल है, ऐसे में चुनाव के दौरान कई सख्त नियमों को भी हालांकि लागू किया गया है, जिसके तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। 15 जनवरी तक किसी तरह के रैली, रोड शो और पदयात्रा पर रोक रहेगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। कैंपेन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। घर घर जाकर 5 लोगों को प्रचार करने की अनुमति होगी। जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक रहेगी। संक्रमण ना फैले इसको लेकर चुनावी ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी ऐसे होंगे जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं, उन्हें एहतियाती अतिरिक्त खुराक भी दी जा सकेगी। इसके अलावा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोका जाएगा। गैर कानूनी पैसे शराब पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं चुनाव के मद्देनजर 2.15 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1250 वोटर ही होंगे। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पूरी तरह से महिला स्टाफ के जिम्मे होगा। 690 निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 1620 मतदान केंद्र होंगे। वहीं इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि इस बार 24.9% नए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाती है, किसके नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।